ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਪਲ ਭਾਜੀ ਚਲਾਈਏ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਚਲਾ ਦਈਏ ਚਲੋ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਦਿਲ ਧੜਕਨੇ ਦੋ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਬਣੇ ਹੈ ਯੈਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਈ ਫਿਰ ਆਪ ਮਜਨੂ ਭਾਈ ਜਕਾਸ वो कह रहे हैं कि आप हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं कि मतलब एक तो होता है ना कि एक आदमी कहता है मैं करेक्टर रोल करूंगा अभी मैंने ये उम्र का रोल किया उसके बाद मेरे ऐसे ही रोल करूंगा पर सर में ये क्वालिटी है ऊपर वाले का कर्म है ये जब चाहे किसी भी रूप में आ सकते हैं अगली फिल्म में हो सकता है दीपिका पादुकोण के साथ हीरो आ जाए फिर सर इन सब बातों का बिल्डअप इसलिए मैं कर रहा था कि आज अनिल कपूर ऐसे हैं तो जब कॉलेज में थे तो सर देखिए अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो वैसे ही कन्फेस कर लेना चाहिए कितनी गर्लफ्रेंड्स थी सर आपकी ओह क्या बताएं सर क्यों कॉलेज की याद दिला रहे हैं सच्ची बात क्या होता था मैं रेस्टोरेंट में जाता था जी ठीक है ना तो रेस्टोरेंट में जाता था और मैं बैठता था और एक गर्लफ्रेंड साथ में बैठी रहती थी दूसरी सामने बैठी रहती थी तो एक हाथ पकड़ता था ऐसे हाथ पकड़ता था जी और दूसरों को दूसरी की मतलब हाथ पैर दोनों चलते थे हॉकी और फुटबॉल दोनों एब्सोल्युटली तो दोनों खुश उसके बाद मेरा जो जन्मदिन होता है वो 24 दिसंबर को होता है अच्छा जी 24 दिसंबर इज क्रिसमस ईव पूरी दुनिया में क्रिसमस की पार्टी होती है तो मैं कभी जिंदगी में मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन है जी तो एक गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगा 24 दिसंबर को तो मैं फंस जाऊंगा जी तो सब गर्लफ्रेंड्स को ये बोलता था कि क्रिसमस पार्टी है आ जाना तो सारी पहुंच जाती थी तो किसी को इसका एड्रेस रन करता था किसी के पास ऐसे चला जाता था क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करता रहता था क्योंकि अगर मैंने बोलूं कि 24 को सिर्फ बर्थडे है तो फिर एक कुछ एक ही साथ ही जाना पड़ेगा ये सारे मैं नुस्खे दे रहा हूँ सारे जो यंगस्टर्स हैं अर्जुन के जो फैंस हैं उनको मैं बता रहा हूँ अरे आप फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं सोनी पिक्चर्स के साथ वन ऑफ द प्रोड्यूसर मिस्टर मुराद भी यहाँ पे हैं मुराद भाई कैसे हैं आप मुराद भाई एक बात बताइए जी भाजी दोनों चाचा भतीजे को ऐसे साइन करना एक फिल्म में कोई डिस्काउंट दिया इन्होंने आपको नहीं सर प्रीमियम लगा था पहली बार साथ में काम कर रहे हैं उल्टा ज्यादा लिए ज्यादा लिए सर पहली बार साथ में आ रहे थे अच्छा अच्छा चलिए पर जो भी है जोड़ी तो कमाल की है सर और आपकी बहुत ही खूबसूरत फिल्म और थैंक यू बाजी थैंक यू लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं थैंक यू बाजी कुछ पब्लिक के सवाल हैं एक्चुअली अब तो बैठ सकते हैं अब तो बैठ सकते हैं प्लीज आइए सर ये थक गया है इसको बैठा मैं खड़ा रहता एसी कम है क्या एसी अरे एसी कम है तो निकाल देते ना अरे क्या बात है किसको चाहिए ये जैकेट तार 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 अरे माइक है माइक है माइक है माइक है कोई बात नहीं माइक मेरे पास है हेलो 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 माइक भी ना हेलो 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 माइक कभी नहीं छोड़ता माइक और जो कैमरा होता है वो फ्रेम में हमेशा रहता हूँ घुस जाता हूँ अब आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि पिक्चर हमने कैसे बनाई आइए सर फाइनली बैठ जाते हैं आइए सर महबूब भाई माइक फिक्स कर दो अनिल सर का अरे हो गया फिक्स अरे ठीक है सर माइंड ब्लोइंग लग रहा हो ये सारा कमाल का लग रहा होगा कैसा लग रहा जबरदस्त चलो बैठ जाते इधर रुको इधर आप दोनों जगह बैठ जाओ पहले इधर भी बैठ जाओ इधर भी जहाँ बैठ आप अच्छा पहले आप नहीं जूनियर फर्स्ट पहले आप अच्छा सर कोई बात नहीं आपके आपके लिए मतलब इतना बैठने की मतलब टेंशन नहीं है कोई बीच में कोई खूबसूरत गेस्ट बुलाते हैं आप अच्छा अब वक्त है आपको एक खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड लड़की से मिलवाने का जो अर्जुन के साथ मुबारका में है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम लियारा डी क्रूज आपने एक चीज नोटिस की जी सर मैंने कर ली सर हाँ देख ली ना
इलियाना सबसे पहले गले किससे लगी? सर मैं समझ गया सर। समझ गया ना, मेरे से मिली बाद में अर्जुन से। करेक्ट ना? मैंने बोला ना, बोल गया मैंने जो बोलना था। भाई भाई की मारता है गलत है, चाचा भतीजे की मारता है एकदम सही है। क्या इलियाना? हाँ जी। यहाँ आना, वहां मत जाना। और बताना क्या चल रहा है बाकी सब घर पर? फर्स्ट क्लास। ऐसे लाइंस है यार। नहीं मेरे पास कपिल शर्मा जितना टैलेंट होता तो मैं भी कर रहा होता ना, इसलिए तो अनीस बजनी की जरूरत पड़ती है। पर बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके व्हाइट शूज इतने चमक रहे हैं आज। ये तो मैंने हर एपिसोड में पहने होते। डैम वेरी नाइस। अरे तुम पिक्चर में मेरे ऑपोजिट हो यार। हाँ, तो पिक्चर में एक्टिंग करनी पड़ती ना, अभी थोड़ी एक्टिंग करना है मुझे। इलियाना के लिए जोरदार तालियां, महफिल में रौनक आ गई है। आइए प्लीज। इलियाना की पहली फिल्म जो थी बर्फी रणबीर कपूर के साथ, दूसरी फिल्म शाहिद कपूर के साथ, तीसरी फिल्म मैं तेरा हीरो में एकता कपूर, इस फिल्म में अर्जुन कपूर, अनिल कपूर। क्या कपूर कपूर, आपकी लाइफ में कपूर भरे पड़े हैं। बहुत। आपको क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे कपूर इंडस्ट्री में आई हैं? व्हाट डू यू थिंक? और इस शो में आप नवजोत सिद्धू के लिए आएंगे कपिल कपूर? मैं भी कपूर। दो कपूर बैठे हो, तीसरा अपने आप कपूर हो जाता है। इस फिल्म मैंने अनिल कपूर के लिए किया है। Okay. दूसरी शायद आपके साथ करूंगी, आपके लिए दूसरी करनी है ना तुमको, तो पहली भी मेरे लिए किए बोलो। दो दो है ना आप इसलिए। ये ना चिंता मत कर, 20-25 फिल्में हैं। चाचू वेलकम के प्रमोशन नहीं, मजरू भाई बन गए बीच में। 20-25 ए चलो फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली ज्यादा मजा किसके साथ आता है बैठ के बातें करने में? अथिया के साथ। हाँ ये आंसर करेक्ट, ये मुझे चलेगा। यार बहुत मिस कर रही हूँ। She wanted to be here, यार. She really missed. आई, सॉरी ये तो पापा तुम। आई, आई, आई। मेरी बड़ी तमन्ना थी हमारे स्कूल कॉलेज में कभी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हो। मारे नहीं हमारे हमेशा। यार को फील मैं चले हट। सीरियसली मैंने मतलब मुंबई आए हैं या मतलब हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला भी ऐसी खूबसूरत लड़कियां हो। मारे नहीं हमारे हमेशा यार को फील मैं चले हट। मतलब सीरियसली मैंने मतलब मुंबई आए हैं या मतलब हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला। हमारी क्लासमेट, मेरी तमन्ना ही रह गई ऐसी, हमारी क्लासमेट ऐसी थी। कल कल लेक्चर पढ़ा तुमने? ऐसे कौन लड़कियां करती हैं? मतलब सीरियसली पाजी आपने नहीं देखा? अरे मैंने भी देखा है। अच्छा या, इनको अपना बचपन याद आ गया आज। पहले मैं बहुत मोटा बहुत परेशान था, तो मुझसे भी ऐसी और के। ओह अच्छा इलियाना, एक बड़ा मेरा गरीबों वाला अपना ही सवाल है। ये जो जैसे हमारे साथ कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं, रेनू बाला, कमला हो गई, बिमला हो गई, ये जो इलियाना होती हैं, ये भारत के किस कोने में आपका जन्म होता है स्पेशली? आई मीन कोई स्पेसिफिक एरिया, मतलब आई रियली वांट टू नो। आई वाज बोर्न हियर बॉम्बे में ही, लेकिन ओके लेकिन बेसिकली फ्रॉम बॉम्बे? नहीं, तो आधी जो फैमिली है गोवा से है। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? नहीं, आई एम आस्किंग इन इंग्लिश। ओह ओह सॉरी नो, आई वाज बोर्न इन बॉम्बे बट आई वाज लिविंग इन गोवा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यू बोर्न इन बॉम्बे? आई एम बोर्न इन बॉम्बे। एंड देन वेयर यू वेंट? एंड देन आई वेंट टू गोवा। गोवा जी। अब भला इसी में हिंदी पे आ जा। Do you have any problem with my English, Mr. Sherry? No. Mr. Sherry. But I can speak English continuously 2.5 minutes. What do you think? Well okay. Done, Kapil. Okay. Time note ho gaya. 2.5 minutes. Come on. Okay. So I was talking about that these beautiful girls, like Iliana. Correct. I agree. अटक क्यों गया? इलियाना, लेट मी मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश, आई हैव इन माई माइंड इन हिंदी।
बट इसको कन्वर्ट करना। तो एक तो इल्याना फुल स्टॉप 45 सेकंड का नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि लगातार, मैंने कहा सब मिला के 2.5 मिनट। बीच में लाफ्टर वाफ्टर आया, हो गया अपना, आई एम द विनर। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता था कि इल्याना गोवा में फिर आप पली बड़ी पूरा काफी? हाँ, इनको देख के लगता है ये बीच टाइप एरिया में ऐसी खूबसूरत लड़कियां रहती है। I don't know what she's doing. हाँ, इतनी खूबसूरत है ना, यही होते हैं हमारे तो। मुझे आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आपने कड़ी चावल कभी नहीं खाए होंगे। तो आपको क्या लगता है मैं क्या खा के बड़ी हुई हूँ? मुझे लगता है कोई ऐसा पोमग्रेनेट पास्ता टाइप समथिंग, विच डिशेस बिलोंग टू पेरिस और बट इंटरनेशनल टाइप। अच्छा, नहीं मैं कड़ी चावल खाती हूँ, राजमा चावल खाती हूँ। कड़ी चावल वो पता है ना, कड़ी चावल पकौड़े भी डलते हैं ऐसा। जी बिल्कुल। तो भाई लोग, जिनका मन में सवाल था उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमारे जैसा ही खाना खाती है। बहुत अच्छा लगा। नाम इंटरनेट। अच्छा, ओ जी, वैसे देख के मेरी फील होता है ना, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਂਜ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਖਾਣਾ ਫੂਡ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ। ਵਜ਼ਨ 20 ਕਿਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਘਟਾਉਣਾ, 20 ਕਿਲੋ ਲੋਸ ਕਰਨਾ, 80 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿਖਾਨੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਨਾ ਵਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਉੱਧਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਹੈਂ ਹੱਸਣਾ ਨੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2011 ਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਰੋਪ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਸਰ ਵੈਸੇ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਟੈਗ ਵੀ ਬਾਰਬੀ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਹੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਨੀ ਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਵਿਗ ਜੀ ਪਈ ਸੀ ਘਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਗ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਬੇਗਾ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਵਿਆਹ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਦ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਐਲਬਮ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਬਮ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ? ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ
ਏਸੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਵੈਡਿਟ ਕਿ ਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਐ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾ ਲਓ ਲਓ ਜੀ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ 12-1 ਵਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਜ਼ੇ ਮੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਬਈ ਐਡਿਟ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਰੀਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 2010-11 ਦੀਆਂ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਬਸ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਰਡਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2-3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇਖੀਏ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ